तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आप जो यहाँ पर ये फ़ोन देख पा रहे हैं कीपैड मोबाइल, दोस्तों ये सैमसंग का मोबाइल है। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सैमसंग का B110E कीपैड मोबाइल है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूँ। दोस्तों देखिए, इसका जो स्टार की है ना, ये वर्क नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर बैटरी डाल करके दिखाता हूँ। ये फ़ोन तो ऑन होगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ोन तो ऑन हो चुका है। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे ही इसका हम लॉक खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी की तो वर्क करेंगी, लेकिन जो स्टार की है इसकी, वो वर्क नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी की प्रॉपर वर्क कर रही हैं, लेकिन स्टार की वर्क नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, यदि कभी भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए कि आपके सामने ये कीपैड फ़ोन सैमसंग का B110E आए और उसका स्टार की वर्क नहीं कर रहा हो, तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों किस तरीके से इस स्टार की का सलूशन किया जाता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। उसके लिए मैं पहले इस फ़ोन को खोल लेता हूँ। दोस्तों जब तक मैं इस फ़ोन को खोलता हूँ, तब तक यदि आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो फाइनली दोस्तों देखिए, हमने फ़ोन को यहाँ पर खोल दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ से PCB को बाहर निकाल लेंगे, इसके हाउसिंग से यानी बॉडी से। हमने PCB को बाहर निकाल लिया। अभी हमारा जो देखिए फर्स्ट स्टेप जो आता है, जब भी आपके पास ये कंडीशन आए कि आपका स्टार की वर्क नहीं कर रहा हो, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, आपको यहाँ से जो ये कीपैड हैं, आपको इन्हें यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, इस तरीके से आप सावधानी से इन्हें रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आप यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा स्टार की। ठीक है, ये वाला आप ये देखना कि यहाँ पर जो ये कीपैड पत्ता लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई कारण वगैरह तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ हो तो आप इसे स्क्रैच करके क्लीन कर लेना। और फिर आप PCB पर देखना, PCB पर यहाँ पर जो है आपका की जो है स्टार वाला है ये, इसके आप दोनों पॉइंटों पर देखना, कोई भी यहाँ पर कार्बन वगैरह तो नहीं है। यदि हो तो आप इसे भी स्क्रैच करके क्लीन कर लेना। ठीक है, क्लीन करके आप चेक कर अपने फ़ोन को, आपका स्टार की चल जाएगा। यदि यहाँ से नहीं चलता है तो सेकेंड स्टेप आपका क्या है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो यकीनन आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो आपको जो सेकंड स्टेप है वो क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर आपकी 7 नंबर की होती है। ठीक है, 7 नंबर की और स्टार की। अभी आपको सबसे पहले मल्टीमीटर की सहायता लेकर के ये चेक करना है मल्टीमीटर से कि ये 7 नंबर की वाला बीच वाला जो प्रिंटर टिप्स है ये, और स्टार की का जो बीच वाला टिप्स है ये, इन दोनों पर आप मल्टीमीटर की वायर रखेंगे तो आपके मल्टीमीटर के अंदर बीप आनी चाहिए। ठीक है, यदि ये दोनों बीप देती है तो समझ लेना आपका यहाँ से ट्रैक सही है। फिर आपको थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले तो आपको यही स्टेप देखना है। तो चलिए हम यहाँ से पहले इसी स्टेप को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, मल्टीमीटर को यहाँ पर मैंने बजर मोड पर लगा रखा है, और आप देखिए इस तरह का बीप आना चाहिए इन दोनों प्रिंटों पर। ठीक है, तो समझ लेना आपकी सप्लाई सही है, वरना सप्लाई ख़राब है। तो देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये वाला प्रिंट और ये वाला प्रिंट, तो देखिए बीप दिया इस तरीके से, ये और ये बीप देने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर हमने रखा और सेकंड वायर हमने यहाँ पर रखा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोई भी बीप नहीं आ रही है, इसका मतलब है यहाँ से और यहाँ तक का ट्रैक हमारा कट चुका है, जिसकी वजह से हमारा स्टार की वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैं आपको यहाँ पर जंपर करके बताऊँगा जैसे ही हमारा स्टार की सही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीसरा स्टेप और बता दूँ। यदि मान लीजिएगा हमारा यहाँ से बीप आ रहा है, ये स्टेप सही है, तो आपको थर्ड स्टेप क्या चेक करना है, क्या करना होगा, वो भी आपको मैं साथ ही बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में आपको तीनों स्टेप कवर कर दूंगा, तो आप अच्छे से आसानी से बार बार कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप एक ही वीडियो से सारा कुछ समझ जाओगे। तो भी देखिए, आपको ध्यान से देखना है बस इस चीज़ को, थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, लेकिन आप समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप जैसे PCB देख पा रहे हैं ना, यानी कि जो बोर्ड है, और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दो लाइनें हैं इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, ये दो लाइनें आपको इस तरीके से खींची हुई मिल जाएंगी। अभी आपको करना क्या है, यदि आपका यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई ठीक है ना, और आपका स्टार की बंद है, तो इन दोनों लाइनों में जो इस तरीके से खींची हुई हैं, इनमें से जो नीचे वाला ट्रैक है ना, नीचे वाली लाइन है,
उसके राइट साइड से यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच करना है ब्लेड की सहायता से, ठीक है। ये आप स्क्रैच करेंगे और यहाँ पर जंपर लगाएंगे एक साइड, ठीक है, नीचे वाली लाइन के राइट साइड यहाँ पर स्क्रैच करके जंपर लगाएंगे, ठीक है। उस जंपर को यहाँ से लगा करके फिर आपको कहाँ लगाना है पीसीबी में मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से जंपर आपने उठाया, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, ये दो, ठीक है। तो आपको जो ये दो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं ना, इनका जो ये वाला कंपोनेंट है इधर वाला, ये लेफ्ट वाला, ठीक है, इसके नीचे वाली जो प्रिंट है नीचे वाली साइड, आपको यहाँ पर जंपर वो लगा देना है, यानी यहाँ से। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो दो लाइनें आपको इस तरीके से मिलेंगी, दो लाइनें मिलेंगी, तो उनमें से नीचे वाली लाइन के राइट साइड से जंपर आपको इन दोनों कंपोनेंट में से लेफ्ट वाले के नीचे वाली साइड में लगा देना है, ठीक है। चलिए, हमारा तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप ही लगभग काम करेगा कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कटी हुई है, यही चालू नहीं है, तो हम पहले इस सप्लाई को बना करके और चेक करते हैं कि हमारा इससे ही स्टार की वर्क करने लगेगा या फिर नहीं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर जंपर लगा देता हूँ और तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर जंपर कर दिया है, मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्तों। देखिए यहाँ से ये बीच वाले पॉइंट से और यहाँ सेवन की का जो बीच वाला पॉइंट है इस पर मैंने जंपर कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने दिखाया भी था कि यहाँ से और यहाँ तक का ट्रैक मेरा कटा हुआ था, ठीक है। तो मैंने जंपर तो कर दिया है, अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा स्टार की जो है ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो हम इसे बैक पैनल में यहाँ पर रख लेंगे पहले, उसके बाद बैटरी लगा करके इसे ऑन करेंगे। तो चलिए यहाँ हमारा ऑन ऑफ की है, ये हम इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं। और अब हम बारी बारी से सारी की चेक करेंगे कि हमारा ये जंपर लगने से कोई और की तो बंद नहीं हो गया है या फिर हमारा स्टार की भी अभी चला है या फिर नहीं चला। तो हम सारी की यहाँ चेक कर लेंगे, एक से लेकर के और हैज तक, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर हमारा स्टार हम प्रेस करते हैं, देखिए स्टार, ये देखिए स्टार 0 और ये है दोस्तों। ये देखिए लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे ट्यूजर यहाँ पर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, वरना देखिए यहाँ पर सभी जो हमारे जो की हैं सभी प्रॉपर वर्क करने लग गए हैं और हमारा जो स्टार की है ये भी यहाँ पर ठीक हो चुका है। तो दोस्तों यदि आपके सामने ये ट्रैक कटा हुआ हो तो आप इस तरीके जंपर दे सकते हैं, वरना मैंने आपको थर्ड स्टेप बता दिया है वीडियो में पहले कि आपको क्या करना है। यदि यहाँ का आपका ट्रैक सही है तब भी स्टार की वर्क नहीं करता है, तब आपको कहाँ से कहाँ पर जंपर लगाना है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, आप उस ट्रिक को फॉलो कर लेना, 100% आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप स्टार की का सलूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। और दोस्तों अब आप आसानी से ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने फ़ोन को पैक कर लेना, आपका स्टार की सही हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।